हेलो गाइस, दिस इज प्राची। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साइको सर्जन की जो कि अलग अलग ह्यूमन बॉडीज के पार्ट्स को काट कर उन्हें साथ में मिलाते हुए बहुत ही अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। तो चलिए दोस्तों फटाक से मूवी स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग मैक्स नाम के एक सर्जन से होती है जो कि अपनी टीम के साथ में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था। फ्रेंड्स, वो एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका रिजल्ट तब पता चलता है जब एक लड़की स्ट्रेचर पे होश में आती है। वो धीरे धीरे होश में आती है और अपनी आंखें खोलती है, साथ ही वो अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश करती है जहाँ उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है और अपने कपड़े उठाकर लाइट ऑन करती है, वो खुद को देखकर शॉक हो जाती है, जोर से चिल्लाती है, जमीन पे गिरती है और तड़पने लग जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सो गाइस, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें तीन लड़कियों के शरीर के बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ा गया था और ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में तीनों लड़कियों की बॉडी पार्ट्स, शक्ल के साथ साथ उनके दिमाग भी आपस में जोड़ दिए गए थे। फिर जहां उस लड़की के दिमाग में तीनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जिसमें से शॉर्ट हेयर गर्ल का नाम जेनिफर, ब्यूटीफुल गर्ल का नाम एली और तीसरी लड़की का नाम मैडी था। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन सबके माइंड्स आपस में कंबाइन है और साथ ही उनके बॉडी पार्ट्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो अब ये लोग मिलकर उस एक्सपेरिमेंट गर्ल का नाम वी रखते हैं जो कि इन तीनों से मिलकर बनी हुई थी, जहां वो उठती है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक थी, साथ ही उनकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं मिल रहा था जिस कारण से उस लड़की को चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो जाके स्ट्रेचर पे लेट जाती है जहां दो बंदे उसे चेक करने के लिए आते हैं और वो जैसे ही उसे देख रहे होते हैं वो वहां से उठकर डरकर बाहर भागने लग जाती है। वो भागते हुए डोर के पास जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाफ का एक मेंबर उसे देख लेता है और वो उसे बाहर जाने से रोकता है, जहां वो उसे मारकर फाइनली बाहर आ जाती है। फिर वो भागते हुए जेनिफर के घर में आती है और आकर सोफे पे बैठ जाती है। फिर वी के दिमाग में वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या उन्हें हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए या फिर पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन गाइस, वो तीनों मिलकर वी नाम का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बन चुके थे जिस पर शायद ही कोई यकीन कर पाता क्योंकि उनके पास कोई पर्टिकुलर आईडी या फिर अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। फिर अचानक से जेनिफर अपनी फिंगर्स देखती है क्योंकि वी के हाथ में एक उंगली किसी आदमी की लगी थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो जैसे ही उसे टच करती है वो टूटकर गिर जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके फिंगर्स को हाथ से दोबारा जोड़ती है और वी के दिमाग में वो तीनों लड़कियां आपस में बातें करती हैं कि उन्हें दर्द ही नहीं हुआ, कि शायद उन्हें दर्द होता ही ना हो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में। सो अब वो लोग चेक करने लग जाते हैं कि उन्हें सच में दर्द नहीं हो रहा। वो खुद को यहाँ वहाँ ठोकते हैं और हैमर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी सच में दर्द नहीं हो रहा था। तो अब वो लोग अपनी आप बीती बताने लग जाते हैं कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था, जहां जेनिफर कहती है कि जब उसके साथ ये हादसा हुआ तब वो अपने घर में, जहाँ पीछे से उस पे किसी ने वार किया और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर रैली कहती है कि वो जब अपने दोस्तों के साथ बार में थी और उसके बाद जब वो अपने घर जाने के लिए बाहर निकली तो एक गाड़ी से उसका टक्कर हो गया था। जब उनकी आंख खुली तो वो तीनों साथ में ही थे। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर रैली कहती है कि उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत होगी, तो फिर जेनिफर कहती है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है जिसका नाम जेरी है, वो शायद उनकी हेल्प कर सकता है। सो अब तीनों लड़कियां मिलकर खुद को तैयार करती हैं, यानी कि वी को तैयार करती हैं और वो जेरी के पास जाती हैं और उसे वहाँ जाकर सारी बातें बता देती हैं। वी जेरी के सामने जाती है और कहती है कि उसे तीन लड़कियों से मिलाकर बनाया गया है और ये एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन गाइस, जेरी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता तो वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो नेक्स्ट डे रेडी होती है और उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाती है जो कि इन सब के पीछे था, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का जिम्मेदार था। पूरा दिन उस बंदे को ढूंढने के बाद फाइनली जब वो लोग घर वापस आते हैं, जबकि वो उन्हें नहीं मिलता, तो वो देखते हैं कि वैन में दो आदमी बैठे हुए थे जो कि गाइस वही थे जो वी को चेक करने के लिए हॉस्पिटल में आए थे और वो लोग जेनिफर के घर पे टॉर्च मारकर कुछ चेक कर रहे थे। वी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो उनमें से एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है कि तभी दूसरा बंदा उसे रोकता है और साथ ही ये कहता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थे, हम बस अपनी जॉब कर रहे थे, जहां वो उसे बेहोश करने की कोशिश करता है लेकिन वी बेहोश नहीं होती और वो बंदा उसे देखकर वहां से भाग जाता है। जहां
अचानक से पुलिस आ जाती है और वी पुलिस का सायरन सुन के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो वैन में से एक फाइल को उठाकर अपने साथ में ले जाती है। वो भागते हुए जेरी के घर जाती है जहाँ जेरी उसके स्टिचेस को देखता है और वो उसकी मरम पट्टी करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब जेरी उस फाइल को देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ वी टीवी पे न्यूज देखती है कि जिन लोगों को कल उसने मर्डर किया था पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर वो जैसे ही जेरी को अंदर चेक करने के लिए जाती है वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। जेरी उसकी दी हुई फाइल को जला रहा था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज और अजीब सा था, और साथ ही वो उसे कह रहा था कि जब तुम पहले जैसी नहीं हो सकती तो इन सब चीजों के पीछे भागने का क्या फायदा। जहां वो फाइल को बुझाती है और वो देखती है कि इस फाइल में एक एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन स्टिल उसको जेरी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे एक बेड से बांध देती है और गाड़ी से उस एड्रेस की तलाश में निकल जाती है, जहां वो एक एक्स के साथ में पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो एक्स से एक डॉक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देती है। और उसको मारने के बाद जब वो अंदर आती है तो देखती है वहाँ पर सर्जन मैक्स खड़ा हुआ था जो कि उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वी को वहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और वो उस पे एक्स से वार करती है। लेकिन सर्जन मैक्स बच जाता है, वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि दोस्तों आखिरकार उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। सो वो कहता है कि तुम यही तो चाहती थी, फिर मुझे क्यों मार रही हो, शायद ये तुम्हारे तीन दिमागों के कारण हो रहा है। वी को उस पे बहुत गुस्सा आता है, वो फिर से उस पे एक्स से वार करती है। लेकिन गाइस इस बार मैडी उसके दिमाग में उसे डॉक्टर को मारने से रोक लेती है, जहां वो जेनिफर और एली को रोकते हुए बताती है कि हम इस डॉक्टर को नहीं मार सकते क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जहां जेनिफर और एली शॉक थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है, जिसके बाद मैडी उन्हें सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वही थी जो कि सर्जन मैक्स के पास आई थी क्योंकि वो खूबसूरत दिखना चाहती थी और इसलिए वो अपनी सर्जरी करवाना चाहती थी। जहां मैक्स ने उसे एक लाश भी दिखाई थी जो कि उसने ब्लैक मार्केट से ली थी, लेकिन उसकी एज काफी ज्यादा थी तो इसलिए मैडी ने उसे कहा था कि वो लाशों का इंतजाम खुद ही कर लेगी, उसे बस सर्जरी करवानी है। मैडी ने एली को एक बार में देखा था, वो उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगी थी और वो उसकी खूबसूरती लेना चाहती थी, इसलिए उसने वैन से टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट किया था। जेनिफर को भी उसने ऐसे ही उसके घर में मारा था और उसके बाद उसने उन दोनों लड़कियों की लाशों को ले जाकर सर्जन मैक्स को दे दिया था ताकि वो सर्जरी परफॉर्म कर सके। सो अब सच जानकर जेनिफर और एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मैडी के ऊपर क्योंकि उसने उन दोनों की बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया खुद को खूबसूरत बनाने के लिए, जहां उसने अपने साथ साथ उन दोनों की भी जान ले ली। तो अब वो तीनों मिलकर वी के माइंड में लड़ाई करने लग जाते हैं, जहां मैडी जेनिफर की आंख फोड़ देती है और उसके कारण वी की एक आंख फूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे तैसे करके जेरी खुद को आजाद कर लेता है। हॉस्पिटल में सर्जन मैक्स ने वी को बांध दिया था और वो उसे काट कर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन तभी जेरी उसके क्लिनिक में आ जाता है जहां मैक्स उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और खींच कर अंदर लेकर आता है क्योंकि गाइस वो उस पे भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करने वाला था। लेकिन तब तक वी खुद को जैसे तैसे करके छुड़ा लेती है, जहां उसने सर्जन मैक्स की लैब को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये देख के बहुत गुस्से में गोली चलाता है जो कि जेरी को जाकर लग जाती है, लेकिन इसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो वी को नहीं मार पाता और वी गुस्से में ड्रिल लेकर आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए। लेकिन गाइस उसके दिमाग में वो तीनों लड़कियां आपस में ही लड़ रही थी, जहां मैडी उन दोनों को रोक रही थी डॉक्टर को मारने के लिए, लेकिन एली को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो ड्रिल उसी के अंदर मार देती है। की लड़ाई देखकर मैक्स को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहां उन तीनों लड़कियों के साथ वी भी मारी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि मैडी के मरने के बाद भी वी जिंदा थी और उसके अंदर अब जेनिफर और एली ही थे। सो अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी वैसे ही वी की तरह चल रहा था। वो स्ट्रेचर से उठता है, लाइट ऑन करता है और खुद को देखकर शॉक होता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जेरी और मैक्स का मिक्सचर था, जहाँ वी खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। सो गाइस यही इस मूवी का द एंड होता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपने मेरी इस वीडियो को झेल ही लिया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा मैसेज लेके जरूर जाइएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को एंड तक किसने देखा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।